मैं इमरान सैफी मोटिवेशनल टेक्नोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली हमारी हर वीडियो आप लोगों को प्राप्त हो सके। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में बनने वाला सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे गंगा एक्सप्रेसवे के बारे में आज हम आपको बताएंगे। दोस्तों, आज हम हर ज़िले के बारे में आप लोगों को बताने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप जितने भी इलाहाबाद से होता हुआ और आपका मेरा डिस्ट्रिक्ट तक जितने भी गंगा एक्सप्रेसवे में डिस्ट्रिक्ट आने वाले, गांव में आने वाले, आज मैं उन किसानों से आज मैं 5 सवाल करने जा रहा हूं। दोस्तों, 5 सवालों में जिसके अकॉर्डिंग जिसको जो भी समस्या है उसके 5 सवाल जिसके अनुसार हो वो उसका कमेंट के जरिए आप मुझे जवाब दे सकते हो। दोस्तों, अब हम शुरुआत करते हैं सवालों की। दोस्तों, सबसे पहला सवाल जो है आपको डिस्प्ले पर मैं शो करने वाला हूँ। सवाल है, गंगा एक्सप्रेसवे में आने वाले किसान गांव के बारे में बताएं। दोस्तों, इस सवाल का आपको जवाब देना है कि जिन जिन गंगा एक्सप्रेसवे में जितने गांव आ रहे हैं उनके बारे में आप लोगों को सूचना देनी है। दूसरा सवाल आपके डिस्प्ले, सवाल 2, इलाहाबाद मेरठ गंगा एक्सप्रेसवे में किसान अपना सुझाव दे। दोस्तों, जो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ गंगा एक्सप्रेसवे बना रहे हैं, जितने भी किसान हैं सभी अपना गंगा एक्सप्रेसवे को लेकर अपना सुझाव जरूर दे। तीसरा सवाल है, सवाल 3, गंगा एक्सप्रेसवे में किसान अपने एरिया की समस्या के बारे में बताए। दोस्तों, जो उत्तर प्रदेश के अंदर जो गंगा एक्सप्रेसवे में आने वाले गांव, शहर, जितने भी क्षेत्र आते हैं, किसान और जो जो कार्य चल रहा है उसकी समस्या के बारे में बताएं। आपके क्षेत्र में क्या समस्या है गंगा एक्सप्रेसवे को लेकर, वो भी आप अपने हमें कमेंट के जरिए आप हमें बता सकते हैं। उसके बाद है आपका चौथा सवाल, सवाल 4, गाँव में जो अधिकारी कार्य कर रहे हैं उसके बारे में जरूर बताए। जितने भी क्षेत्र में जो भी गंगा एक्सप्रेसवे के लेकर मालवीय कंपनी हो या कोई भी अधिकारी फील्ड में आ रहा है वो क्या कार्य कर रहे हैं उसका जवाब आप मुझे कमेंट के जरिए दे सकते हैं। उसके बाद आपका 5वां सवाल, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गंगा एक्सप्रेसवे बना रहे हैं अपने विचार और उनके लिए आप लोगों का क्या सुझाव है, वो भी आप अपने विचार योगी आदित्यनाथ जी के लिए रखें। दोस्तों, ये 5 सवाल है जिनके आपको मुझे कमेंट के जरिए आपको जवाब देना है। दूसरी बात आपसे मैं कहना चाहूँगा कि कोई भी बात को लेके चिंता ना हो, जो भी बात हो रही है या गंगा एक्सप्रेस में जो भी कार्य हो रहा है वो UPDA की माध्यम से, वेबसाइट के माध्यम से आपको सब कुछ पता चल जाता है या YouTube के हमारे माध्यम से आप लोगों को पता चल जाता है कि क्या कार्य कहां पर क्या हो रहा है। लेकिन आज आपको सभी को बताना है कि आपके क्षेत्र में कहां पर क्या क्या हो रहा है। दोस्तों, बहुत जगह से सवाल आ रहा है कि सर कहीं पर जो है अलाइनमेंट को लेकर भी आप लोग नीचे कमेंट में आप लिख सकते हैं अलाइनमेंट को लेकर अपने अपने डिस्ट्रिक्ट का। लेकिन अब हम बात करें कि जो 628 किलोमीटर जो उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे लंबा एक्सप्रेसवे बनने जा रहा है, अब हम उनकी डिस्ट्रिक्ट के बारे में बात करेंगे। कुछ कह रहे हैं लोग, किसान कह रहे हैं कि हमारी डिस्ट्रिक्ट बदल दी गई है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अब मैं उनका डिस्ट्रिक्ट का नाम लूँगा जिन जिन डिस्ट्रिक्ट से ये होकर गुजरेगा। मेरठ, अमरोहा, बुलंदशहर, बदायूं, शाहजहाँपुर, फरुखाबाद, हरदोई, कन्नौज, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज। हरदोई वालों के लिए एक और बहुत इम्पोर्टेंट मैं बात बता देता हूँ। हरदोई वालों के लिए, हरदोई में गंगा के किनारे करीब 95 किलोमीटर की भूमि अधिग्रहण सरकार करेगी। सबसे ज़्यादा जो हरदोई के अंदर जो है, हरदोई के अंदर सबसे ज़्यादा जो है भूमि अधिग्रहण जो होगा वो हरदोई के अंदर किया जाएगा। 95 किलोमीटर भूमि अधिग्रहण सरकार करेगी। तो दोस्तों, ये है आपकी जो भी समस्या है हमें कमेंट के नीचे लिखिए और अपने अपने क्षेत्र के बारे में हमें ज़रूर बताएं, जिससे हम आपकी
आपकी जो सवाल है, आपकी जो जवाब है, उन्हीं चीज़ों को लेके हम आगे जो वीडियो बना सके, हमें ये पता चल सके कि आपके क्षेत्र में गंगा एक्सप्रेसवे पर क्या क्या कार्य चल रहा है, कहाँ पर क्या नहीं हो रहा है, ज़रूर बताएं। और वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें।